गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल मानस कंट्री ब्लॉग। एंड गाइस ये वाला ब्लॉग मतलब हम लोग दिन में मतलब शाम एक इंस्टेंट वाला ब्लॉग नहीं होता, वो वाला ब्लॉग है। और भाई आज हम लोग आए हैं कहाँ पर, सिल्क ऑफ इंडिया एग्जीबिशन में आए हैं, ठीक है। और भाई यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट चीज़ें होती है, जैसे हाथ से बनी हुई हर चीज़, देखो ये साइड में भी रखी हुई हैं, सभी चीज़ें हाथ से बनी हुई हैं टोटली। और बहुत सारी चीज़ें जैसे ये देखो, ये सब हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं, ठीक है। और जब चलते हैं अंदर वो चलते हैं और देखते हैं भाई और सारी चीज़ें, मतलब आज जानेंगे सारी चीज़ों के बारे में। हम लोग अंदर भी आ चुके हैं और चल ही रहे हैं, बस बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। देख साड़ी है ना, सिल्क वाले, सारी चीज़ें सिल्क की हैं यहाँ पर, और एग्जीबिशन ही सिल्क की है तो इसलिए सारी चीज़ें ही सिल्क की हैं। भाई देखो ये क्या है दीदी, दीदी ये क्या है, ये क्या है, शॉल वगैरह है। इधर को आया ना थोड़ा साइड में, मैंने ये चीज़ देखी भाई, सिल्क का एग्जीबिशन है, चीज़ें इस तरीके की हैं यहाँ पर, झुमके होंगे, सिल्की भी चीज़ें हैं लेकिन यहाँ पर झुमके वगैरह भी हैं। चलते चलते सब एंड में आ चुके हैं बिल्कुल, ये आ गए गेट। और यहाँ पर भाई ये भी, यहाँ भी कपड़े मिल रहे हैं ना, उधर साइड ये एंड ही है, ये एंड है, यहाँ तक हैं कपड़े, बस सिल्क के कपड़े यहाँ तक ही हैं। चले चलते हैं अंदर को। भाई ये क्या है, देख जी रही अलग ही ये ड्रेस, इन तगड़ी लग रही है। और भैया की ड्रेस सबसे ज़्यादा तगड़ी लग रही है, कश्मीर कोट है, गर्म हो गए तो ये तुरसी में बनता है। अच्छा ये सिल्क का ही है, ये हापज जात में है। अच्छा इनका जो भैया उतारे थे मतलब बहुत ज़्यादा गर्म होता है यार। और ये देखो ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह कश्मीर वाले, मतलब लोग पता कश्मीर से तक आए हैं यहाँ पर ये सब बेचने हैं। और ये देखो यहाँ पर शूज़ वगैरह भी मिलते हैं, शूज़ कह रहा हूँ मैं भी भाई, सॉक्स भी मिलते हैं, शूज़ ही मिल रहे हैं, देखो शूज़ भी हैं सामने। आखिरकार ये पहुँची गई अपनी चीज़ देखने। भैया आप लोग कहाँ से आए हो, जयपुर से आए हो, और सर जयपुर वाला ही सामान है, हैं ये सामान जयपुर का ही सब। एंड गाइस देखो कश्मीर से, जयपुर से, भाई सारी जगह से लोग आए हैं और अपना अपना यहाँ पर बेच रहे हैं सब चीज़ें। कोई चीज़ समझ में नहीं आई, चलो चलते हैं बाहर को। ये बाहर को क्या मतलब, इधर से ही है ना गेट निकलने का, ये तो अपने कपड़े देखती रहती है जहाँ जाती है। चल गेट है ये ना निकलने का, कहाँ से है गेट, अच्छा उधर उधर से, ठीक है ठीक है। हम तो गेट ही बोले कहाँ से है, निकल रहे हैं यहाँ से बाहर को। और भाई यहाँ भी मतलब सिक्योरिटी भाई फुल है यार, देखो हर जगह कैमरे लगे हैं, दिखाऊंगा आगे मैं। और भाई ये देखो पूरा पत मतलब वो तिरपाल डली है ना जिसके ऊपर कुछ डला है, वाटर प्रूफ है एक तरीके, तिरपाल वही तो होती है जो, तिरपाल क्या होती है मैं समझ नहीं पाया, तिरपाल होती क्या है, इसके ऊपर पता पूरा वाटर प्रूफ है, एक पानी नहीं घुस सकता इसके अंदर। और ये पन्नी देखो कितनी हार्ड होगी है। चलो चलते हैं अंदर को चलते हैं हम तो, मतलब अंदर कह रहा हूँ बाहर को चलते हैं हम तो। गाइस देखो बाहर को तो और भी अच्छे अच्छे सामान है, ये प्लेट है ना भैया, प्लेट है ना, गाइस देखो प्लेट है भाई, कितनी हैवी प्लेट है, कौन खाएगा इसमें खाना, इसको रख दो भाई यहाँ पर, टूट ना जाए कहीं। एंड गाइस ये देखो भैया ये क्या है, ये प्लांट लगाने वाला, इंडिया से कोई भी प्लांट लगा सकते हैं हम लोग, गिरे ना भाई बस। फर्नीचर वाले सेक्शन में, और ये देखो भाई क्या इतने प्यारे प्यारे फर्नीचर हैं यहाँ पर, ये भाई मज़ा आ गया इनको देखकर तो आज, और उससे तगड़ा ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, ये तो लकड़ी का है नहीं मेटल का है मेरे ख्याल से, हाथी है, हाथी हाथी मेरे साथी वाला हाथी। यहाँ पर स्टूल्स भी हैं, स्टूल ये देखो कितने बड़े बड़े वाले स्टूल हैं, ये टूटेंगे नहीं कहीं से भी कहीं तक। हम लोग आ चुके हैं सिल्क एग्जीबिशन के बाहर को, मतलब जहाँ से हम लोगों ने मतलब व्लॉग स्टार्ट करा था वहीं पर आ गए हम लोग दोबारा से। और ये देखो भाई यहाँ झूले वगैरह भी लगे हैं मस्त बच्चों के लिए, अगर दिव्यांग हर्षित आए होते तो उनको ही मज़ा आता भाई खूब, क्या कर सकते हैं हम नहीं आए तो। देखो हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर देखो हेलीकॉप्टर, इनका यहाँ पर स्विमिंग पूल ही बनाया भाई बच्चों के लिए, अरे लड़ रहे हैं यहाँ बस। एक छोटा सा ब्लॉग था जो कि मैंने बस एक सिल्क और एग्जीबिशन के बारे में आप लोगों को बताने के लिए बनाया था। एंड चलो अब हम लोग इस वाले ब्लॉग को यहीं पे कर देते हैं एंड। सो आई होप ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।